ओके सो गुड मॉर्निंग, आज है प्लान निकलने का। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। रीजन है वहां पर है भाई सैमसंग का एक लॉन्च इवेंट। नॉर्मली मैं लॉन्च इवेंट में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फोल्ड का लॉन्च इवेंट है और फोल्ड का यूजर रह चुका हूँ मैं। तो मैं सोचा क्यों ना निकलते हैं, फोन तो जब आएगा तब उसकी वीडियो दी जाएगी मतलब अलग से, लेकिन देखें जरा एक ब्लॉग टाइप वीडियो हो जाए ओनली ऑन जीटी प्लस विद ललन डोन। चलते हम लोग। बैंगलोर में दो चीजें बहुत सही लगी मुझे। एक तो भाई मैं मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ, वेदर काफी कमाल का लगा मुझे और साथ में हरियाली सी दिख रही है मुझे सिटी में। ये रहा व्यू, खैर व्यू वगैरह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है ना, जो मतलब थोड़ा सा लग सकता है इंटरेस्टिंग, ये देख रहे हो ये बिल्डिंग के ऊपर अलग से घर बना हुआ भाई। अगर उस घर को ऊपर ऊपर से देखे तो ऐसा लगता है वो अलग पार्ट है, नीचे बिल्डिंग अलग है, किसी ने ले जाके रख दिया हो। फोटोशॉप एक्चुअली बंदे पे रहा होगा पैसा, उसको कहीं लगाना था, ऊंचाइयों में जाके लगाया, क्या ही फील लेता होगा वहां पे चाय पीते कहाँ उड़ जाती होगी इतनी ऊंचे पे। इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग थी ना। खैर हम लोग वहाँ पे दो घंटे बाद निकल लिए सैमसंग के इवेंट के लिए, जो था भाई सैमसंग ओपेरा हाउस। ये एक्चुअल में लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर है भाई, और बिल्कुल सिटी के बीच में जस्ट चौराहे के बगल में बना हुआ है। हमने सोचा, और जहाँ हम लोग रुके थे ना 1 किलोमीटर दूर था, हमने सोचा गाड़ी वगैरह से नहीं जाएंगे, पैदल ही निकल लिए थोड़ा देखे। तो इनको जानते होंगे सारे ट्विटर पोस्टिंग, इट्स एन अमेजिंग फील हियर गाइस। वेदर बहुत अच्छा है। साथ में हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मतलब 3-4 बार प्लान किया राइड, और जो लोग कह रहे थे भाई ट्विटर पे कोलैब लोग ये रहे हो गया कोलैब। ओपेरा हाउस बेंगलुरु। आज पूरा इंग्लिश में बोल दूं क्या? हेलो गाइस, से हाय टू माय व्लॉग्स। राकेश, सबसे पहली बात, फ्लिप या फोल्ड? एक्चुअली दोनों के यूजर थोड़ी अलग है, बहुत लोग फ्लिप पसंद करते हैं, बट मैं ऐसा पर्सनल पसंद बताऊँ, मुझे फोल्ड ज़्यादा पसंद है। टेल मी अबाउट दिस एक्सपीरियंस, दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एंड आप और क्या चाहते हैं सैमसंग से? व्हाट इज इट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट फ्रॉम सैमसंग? मे बी मोर बेटर कैमरा, जस्ट लाइक एक्सट्रा रिव्यू। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच राकेश, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। बेसिकली बॉक्सी भी कर दिया थोड़ा सा। हाँ थोड़ा बॉक्सी फ्लैट है ना, वो तो गैप सेम है। आईफोन बेंट इन हाफ है ना, वो बहुत डिस्प्ले कैमरा एकदम डिफरेंट यार। इनका जो ये वाला है ना, ये मस्त है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप काफ़ी स्मूथ है। और इवन इफ यू डू एंड्रॉइड, वो है ना एंड्रॉइड 12 में, ये मेरे को काफ़ी स्मूथ लगा। और एक्चुअली मे भी मेरे को ऐसा लगता ना, इफ जी फ्लिप 4 की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा हो तो दैट कुड बी अ वे। 8 प्लस जेन 1 एंड दे हैव इंक्रीज द बैटरी। मैं क्यों एक्साइटेड हूँ, जैसे याद होगा S22 अल्ट्रा 8 Gen 1 होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेटर हीट कंट्रोल कर रहा था। तो ये वाला क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले से हीट कंट्रोल था प्रोसेसर, ये वाला S22 थोड़ा बड़ा किया, आई थिंक उन्होंने सेंसर्स बड़े किए, बहुत तेज आ गए। प्रतीक की भाई प्रतीक बदाम दो सुबह शाम प्रतीक प्यू प्यू। तो इवेंट फिनिश हो गया था, उसके बाद यहाँ पर भाई काफ़ी सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, सब अपना अपना एक्सपीरियंस भी ले रहे थे। उसके बाद एक मुलाकात भी हो गई सबसे, स्पेशली के रंजीत सर से भी मिला और अच्छा लगा। अभी आप कहोगे भाई हाँ वीडियो में नहीं लाए, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए, वहाँ पे सब आए थे लॉन्च इवेंट के लिए, फोल्ड फ्लिप को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए। फ्यूचर में जब मौका मिलेगा डेफिनेटली वाई नॉट, प्रॉपर टॉपिक हो ना जिस पे आपको भी अच्छा लगे, मेन चैनल पे आए। और यहाँ पे भाई नई जनरेशन वाले जी फोल्ड 4 और जी फ्लिप 4 लॉन्च भी हुए, साथ में नई स्मार्ट वॉच और लेटेस्ट बड्स। इस बार ना ऐसे बहुत बड़े बड़े चेंज नहीं करके इन्होंने क्या किया, उसी को इम्प्रूव किया, जैसे हिंज बेटर की गई है। वैसे कैमरे पे इन्होंने बात ही नहीं किया, जबकि कैमरे में भाई मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल हो गया, 3x टेलीफोटो वगैरह डाला गया, वो सब तो मैं रियल वर्ल्ड में टेस्ट करूंगा जब आ जाएगा। उसके बाद वापस आया, सो गया और एक टाइमलेस भी शूट किया था वैसे मैंने रात का, मस्त था। टाइम टू बाय बाय बेंगलुरु, बेंगलोर बोलते हैं ना एक्चुअल में। और अभी आ चुके हम लोग एयरपोर्ट पे, ये देख के कुछ याद आया। हेलो, व्हील के साइड में एक
रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था। एक दिन मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर बनूंगा देखना। ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ना। यप। 1300 का है। वो कुत्ता जो है ना, मतलब नकली कुत्ता, डॉग बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, तो एक्चुअली आई एम डॉग लवर, बट कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, मेक सेंस ना। हमारे पास थोड़ा टाइम है तो फायदा उठा लेते हैं। फायदा क्या कि नथिंग फोन का रिव्यू आने वाला है ना, सो आई हैव अ प्लान। डी रोल लेना इज यहाँ येलो कलर है, यहाँ रखेंगे हम लोग फोन, परफेक्टली फोकस है और अब आएगा, देखो क्या ही बनेगा यहाँ पर। तो ये फ्रेम कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे फोन है, ये येलो कलर है, दिस इज द कैमरा, और ये भी रोल देख सकते हो हम लोग, एंड ये जीटी भैया टेकिंग द रोल। फाइनल वाला दिखाऊंगे कैसा आएगा, और भी नहीं है लेकिन मैं सारा कुछ यहाँ थोड़ी दिखाऊंगा। और ये था भाई वो डॉगी जो हमने बाय किया था, इसमें सेल वगैरह लगा दिया। इसमें ओरिजिनल साउंड डाल देते हैं, ज्यादा मजा आता है वैसे। हाँ कह रहा है। आई होप अच्छी भी लगी होगी वीडियो, और साथ में नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।